आपको क्या लगता है, हम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिए, थोड़े बहुत काम करेंगे और इसमें सफल हो जाएंगे? अगर ऐसा आपको लगता है तो आप बहुत जल्दी ही अपना बोरी बिस्तर बांधकर नेटवर्क मार्केटिंग से विदाई लेने वाले हैं। क्या आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ 1% लोग ही कामयाब क्यों होते हैं, क्यों 99% लोग अपना बोरी बिस्तर बांधकर नेटवर्क मार्केटिंग को अलविदा कह जाते हैं? इसका एक ही कारण है कि वे लोग एक अच्छे लीडर नहीं बन पाते हैं, एक अच्छे लीडर वाली गुण उसमें नहीं होता है, इसलिए वे कुछ समय बाद नेटवर्क मार्केटिंग को टाटा बाय बाय बोल देते हैं। इसलिए कहीं आप कुछ दिन बाद नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट न कर दे। उससे पहले हम इस वीडियो के माध्यम से 4 ऐसे गुण बताएंगे जो एक अच्छे नेटवर्कर में हर हाल में होनी चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलने वाला है कि आप कितने बड़े नेटवर्कर हैं। और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ईमानदारी के साथ लिखिएगा कि एक अच्छे नेटवर्कर के 4 गुण में से आपके पास कितने गुण हैं, और जो नहीं है उस पर आप अभी से ध्यान देंगे और एक गुणवान नेटवर्कर बनेंगे। तो चलिए एक एक करके उस 4 गुण को जानते हैं जो एक अच्छे और सच्चे नेटवर्कर के पास होना चाहिए। इसमें पहला गुण है, सीखने के लिए और अपने आप को बदलने के लिए हमेशा तैयार रहना। दोस्तों, कहा भी जाता है कि आप सीखोगे तभी टिकोगे, इसलिए सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे और कोई भी सेमिनार ट्रेनिंग को मिस ना करे, और सफलता की ओर ले जाने वाली बुक को जरूर पढ़े और उसमें से ज्ञान हासिल करे, और उस ज्ञान को काम करते समय फील्ड में उपयोग करे। अगर उपयोग नहीं करोगे और केवल सीखते जाओगे तभी भी कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए सेमिनार ट्रेनिंग किताब वीडियो आदि के माध्यम से ज्ञान लीजिए और उस ज्ञान को फील्ड में जरूर अपनाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक अच्छे नेटवर्कर के श्रेणी में आएंगे, और ऐसा नहीं करते हैं या थोड़ा बहुत करते हैं तो आप जरूर कीजिए। दूसरा गुण जो एक अच्छे नेटवर्कर के पास होना चाहिए वो है समय का ध्यान रखना और समय पर तैयार रहना। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जहाँ जिस समय आपको जाना है वहाँ 5 मिनट पहले पहुँचिए। अगर 5 मिनट पहले नहीं पहुँचते हैं तो हर हाल में उस समय पर जरूर पहुँच जाइए। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगा और अंदर एनर्जी बनी रहेगी और आप एक अच्छे नेटवर्कर माने जाएंगे। तीसरा और चौथा गुण काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए तीसरा गुण पहले जानते हैं। तीसरा गुण है अनुशासन। इसका सीधा सा मतलब मैं आपको बताता हूँ। अनुशासन मतलब आप वो करिए जो करना चाहिए, कब करिए जब करना चाहिए, चाहे वो आपको पसंद हो या ना पसंद हो। बहुत सारे काम होंगे इस बिजनेस में जो आपको करने में उतना आनंद नहीं आएगा, उतना मज़ा नहीं आएगा। जैसे रोज नए व्यक्ति से मिलना, अपने कंपनी का प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, बार बार अप्रोच करना, लोगों की ना सुनना और अपनी बातें को समझाते रहना। आप 30 मिनट समझाएंगे कि आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, और वो 3 घंटे समझाएगा कि आपको ये बिजनेस क्यों छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, रोज यही काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन आपको करना होगा तभी आप एक अच्छे नेटवर्कर बन पाएंगे। इसलिए अनुशासन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अब चौथे आखिरी और इम्पोर्टेंट गुण की बात करते हैं। दोस्तों, चौथा गुण है मन को कंट्रोल में रखना। किसी ने आपको ना कह दिया या मना कर दिया तो उसके बात को ज़्यादा दिल और दिमाग पर ना ले, क्योंकि आप जिस बिजनेस में है वो दुनिया के सभी बिजनेस से अलग है, इसलिए इसे जल्दी कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता है। कभी कभी तो समझाने वाले व्यक्ति को लोग गाली तक बोल देते हैं। ऐसे में आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखेंगे और उनसे बहस करेंगे तो आप एक अच्छे नेटवर्कर नहीं माने जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी वो 4 इम्पोर्टेंट गुण जो एक अच्छे नेटवर्कर के पास होना ही चाहिए। आपके पास बताए गए 4 गुण में से कितने गुण हैं, ईमानदारी पूर्वक कमेंट में लिखिए, और कोई गुण नहीं है या थोड़ा बहुत है तो आप वादा कीजिए कि मैं अपने क्वालिटी को बेटर करूँगा।
और इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जानना चाहते हैं कि दुनिया की टॉप 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सी है, तो स्क्रीन पर जो वीडियो शो होगी उसे आप जरूर देखिए।